नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 23 अगस्त। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,19,500 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम तक साझा किए गए अपडेट के अनुसार बिहार में कुल मिलाकर 2,238 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या 1,19,909 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो इसमें अररिया में 47, अरवल में 18, औरंगाबाद में 65, बांका में 25, बेगूसराय में 70, भागलपुर में 67, भोजपुर में 68, बक्सर में 35, दरभंगा में 58, पूर्वी चंपारण में 143, गया में 83, गोपालगंज में 43, जमुई में 11, जहानाबाद में 31, कैमूर में 34, कटिहार में 73, खगड़िया में 45, किशनगंज में 61, लखीसराय में 44, मधेपुरा में 52, मधुबनी में 113, मुंगेर में 24, मुजफ्फरपुर में 61, नालंदा में 33, नवादा में 20, पटना में 279, पूर्णिया में 101, रोहतास में 68, सहरसा में 65, समस्तीपुर में 66, सारण में 62, शेखपुरा में 23, शिवहर में 13, सीतामढ़ी में 54, सिवान में 60, सुपौल में 49, वैशाली में 33, पश्चिम चंपारण में 40। वहीं दूसरी तरफ ठीक होने वालों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 95,372 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक कोविड-19 की वजह से 601 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार में कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। बिहार में जहां मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, वहीं ठीक होने वालों की दर में भी लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि इस महीने में रिकवरी रेट में लगातार वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार जहां 1 अगस्त को रिकवरी रेट 65.08% दर्ज की गई है, वहीं 22 अगस्त को यह बढ़कर 79.54 हो गई है, जिसमें लगभग 13% की वृद्धि देखी गई है। राज्य में रिकवरी दर 64.44% से बढ़कर 79.54% होना इस बात का प्रतीत है कि बिहार में ठीक होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए बिहार के 2 जिलों के शिक्षक का हुआ चयन। बिहार के 2 शिक्षकों का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक बोर्ड ने इस बात के लिए शिक्षकों की सूची तैयार कर दी है, जिसमें बिहार के 2 शिक्षकों को 2020 का राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान दिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इस सूची में सारण जिले के मिडिल स्कूल चैनपुर के प्रधान शिक्षक अखिलेश्वर पाठक को शिक्षक सम्मान की मुख्य सूची में स्थान दी गई है। इसके साथ ही विशेष श्रेणी में इस सम्मान के लिए बिहार के संत कुमार सहनी का भी चयन किया गया है। संत कुमार सहनी हाई स्कूल कमराली बीरपुर जिला बेगूसराय के प्रधान शिक्षक हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ हुई बैठक। बिहार विधानसभा के आम चुनाव की तैयारी को लेकर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के साथ 24 को बैठक करने वाले हैं। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस बैठक में सभी निर्वाचन पदाधिकारी उप निर्वाचन पदाधिकारी भी शामिल होने वाले हैं। बैठक में चुनाव को लेकर मतदान स्थलों में की जाने वाली व्यवस्था, जनसभाओं को लेकर उपलब्ध मैदान को सीमित करने के लिए इंतजाम, संविदा पर कार्यरत कर्मियों का ब्यौरा एकत्र करने सहित विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया में 2 पावर ग्रिड का किया उद्घाटन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग स्थित नेक संवाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र में 4,855.37 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास करने का काम किया है। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने गया जिला अंतर्गत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 2 विद्युत शक्ति उपकेंद्र का उद्घाटन भी किया है। वहीं 1,341.31 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन, 3,130.54 करोड़ रुपए के जर्जर तार बदलने की योजना का लोकार्पण एवं 383.52 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास एवं कार्यारंभ किया भी गया है। जांच क्षमता को बिहार में बढ़ाने की हुई तैयारी। बिहार में बेलगाम बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों को देखते हुए बिहार में टेस्टिंग की क्षमता को और अधिक गति देने की तैयारी हो रही है, जिसके लिए प्रदेश के 8 जिलों में आरटीपीसीआर के स्थापना करने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने इसका घोषणा कर दी और बताया है कि बिहार में टेस्टिंग की क्षमता को और अधिक गति प्रदान करने के लिए प्रदेश के 8 जिलों में आरटीपीसीआर लैब की स्थापना होगी। इसमें से 3 PM CARES Fund के तहत स्थापित किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के 9 सरकारी लैब में आरटीपीसीआर मशीनों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। 10वीं और 12वीं के छात्र फिर से भर सकेंगे रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म। सभी 10वीं और 12वीं के छात्र के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म भरने का विकल्प पेश किया गया है, जिसके तहत बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड ने 2021 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने की इच्छा रखने वाले छात्रों को एक और मौका देने की बात कही है। ऐसे छात्र जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उन्हें एक बार फिर से भरने का मौका मिला है, जिसके तहत छात्र 25 अगस्त तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं, जिसके लिए लेट फीस उन्हें देनी होगी।
बिहार के कई जिलों में बारिश होने की जताई गई संभावना। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान जारी करते हुए बिहार के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के सक्रिय होने के बाद बिहार में फिर से बारिश की उम्मीद बढ़ गई है। कई दिनों के बाद पूरे सूबे का मौसम बदला नजर आया है और राज्य में विभिन्न इलाकों में बारिश भी दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग ने सतर्कता जारी करते हुए 24 और 25 अगस्त को बिहार में मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि गंगा किनारे वाले इलाके में अच्छी बारिश हो सकती है, क्योंकि 24 और 25 अगस्त को मानसून की अक्षीय रेखा बिहार के बीच से होकर गुजरने वाली है और यही कारण है कि बारिश के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे छवि पांडे की। एक बूंद इश्क सीरियल से पहचान बनाने वाली छवि पांडे का जन्म बिहार में हुआ था। छवि पांडे ने इसके बाद से आशिकी, सिलसिला प्यार का और भी कई सारे सीरियल में अभिनेत्री के रूप में काम किया है। सिलसिला प्यार का में छवि को अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर के साथ काम करने का मौका मिला था। उन्होंने भोजपुरी फिल्म विदेशिया में बतौर अभिनेत्री भी काम किया था, पर अब वो भोजपुरी फिल्म में काम नहीं करना चाहती है। एक्टिंग करियर को लेकर छवि बताती है कि वो जब छोटी थी तो किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने से घबराती थी। जल्द ही यह कार्यक्रम में जज की भूमिका में नजर आने वाली है। जब वरुण धवन और दीपिका पादुकोण के साथ किसी मंच पर परफॉर्म करती है तो वो बहुत ही गर्व महसूस करती है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि आज वो जिस मुकाम पर है उसके लिए उन्होंने अपने पिता उमेश कुमार पांडे, मां गीता पांडे और चाचा जयंत कुमार पांडे का बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। मुजफ्फरपुर में 500 बेड का कोरोना अस्पताल 15 दिनों में बनकर हो जाएगा तैयार। बढ़ रहे मामलों को देखते हुए बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के पिताही हवाई अड्डा मैदान में डीआरडीओ द्वारा 500 बेड की क्षमता वाले कोविड-19 अस्पताल बनवाने का काम जोर शोर से जारी है। अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले 15 दिनों में अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप इस अस्पताल के 30 अगस्त तक बनकर तैयार होने की संभावना जताई गई है। 500 की क्षमता वाले कोविड-19 अस्पताल में 125 बेड आईसीयू और 375 बेड आइसोलेशन बेंच के तौर पर तैयार किए गए हैं। लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों से पुलिस ने वसूली 3 करोड़ से ज्यादा की राशि। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या भले ही बढ़ती जा रही हो, मगर लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। प्रशासन के बार बार समझाने के बावजूद नियमों का पालन करना कुछ लोग जरूरी नहीं समझ रहे और यही कारण है कि लॉकडाउन के दौरान अब तक 3,85,49,870 रुपए की राशि वसूली जा चुकी है। पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र कुमार ने पूरे बिहार का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि केंद्र सरकार के निर्देश के बाद बिहार गृह विभाग के आदेश का पालन करते हुए बिहार में 1 अगस्त से सब कुछ कुल मिलाकर बिना के पहने 1,10,535 लोगों के खिलाफ सख्ती दिखाई गई है। वहीं उनसे अब तक 55,26,750 रुपए वसूले जा चुके हैं। राजद के 4 दलित नेताओं के सामने जदयू ने उतारे 5 दलित दिग्गज। महागठबंधन से जीतनराम मांझी के अलग होने के बाद और साथ ही श्याम रजक के राजद में जाने के साथ ही बिहार में दलित राजनीति एक बार फिर से चर्चा का पात्र बन गई है। राजद ने श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी, रमई राम, शिवचंद्र कुमार के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर जदयू को यह संकेत दे दिया है कि मांझी के जाने से उनकी राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जिसके तहत पटना में बीते दिन 5 जदयू के दलित नेता अशोक चौधरी, महेश्वर हजारी, रमेश ऋषि, प्रेमा चौधरी और संतोष निराला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजद पर निशाना साधा है और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 साल के कार्यकाल में दलित के विकास के लिए जितना काम किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। अब एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए किसी पास की जरूरत नहीं। भारत में तेजी से फैल रहे कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं। बिहार में पूर्ण संक्रमण की रोकथाम के लिए 6 सितंबर तक लॉकडाउन का ऐलान भी कर दिया गया है। एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने को लेकर के केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनलॉक 3 के गाइडलाइन के तहत बिहार सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन की गाइडलाइन को लेकर आम लोगों में काफी कंफ्यूजन दिखाई दे रही थी, जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने के लिए किसी प्रकार का रोक ना लगाए। बिहार के विभिन्न जिलों में अतिरिक्त बाईपास बनाने की योजना हुई शुरू। बिहार के विभिन्न जिलों में अतिरिक्त बाईपास सड़क बनाने की योजना पर पथ निर्माण विभाग ने काम शुरू कर दिया है। जिलों में प्रस्ताव की समीक्षा शुरू कर दी गई है। विभाग की कोशिश है कि मौजूदा वित्त वर्ष में निर्माण शुरू हो जाए। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में अतिरिक्त बाईपास बनाने का निर्देश दिया गया था, उसी के तहत निर्माण से जुड़ा सुझाव मांगे गए थे और अब 2 दर्जन जिलों में सुझाव आ चुके हैं। मॉनिटरिंग सेल है और इस काम को भी शुरू कर दिया गया है। वहीं बाईपास बनाने की योजना का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं इस योजना के लिए जो भी कागजी कामकाज की जरूरत है उसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने घर घर बिजली पहुंचने पर लॉकडाउन के सफल होने की कही बात। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार के घर घर बिजली पहुंचाए जाने का दावा किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार के घर घर बिजली नहीं पहुंची होती तो कोविड-19 के दौरान महीनों तक लॉकडाउन कभी सफल नहीं हो पाता। लोग घरों में बंद रहने के बजाय सड़कों पर निकल आते। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित ऊर्जा विभाग की नई योजनाओं के उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा है कि बिजली की वजह से ही लोगों ने एसी, पंखा, टीवी चलाकर घरों में इत्मीनान से रहे और यही कारण है कि लॉकडाउन भी पूरी तरीके से सफल साबित हुआ है।
सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई ने लगातार दूसरे दिन की ताबड़तोड़ जांच। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई ने लगातार दूसरे दिन ताबड़तोड़ जांच की है, जिसके तहत अपनी जांच के दूसरे दिन सीबीआई ने फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ पूरे वाक्य को फिर से दोहराने के लिए अभिनेता के मुंबई स्थित फ्लैट पर पहुंची है। सीबीआई के साथ राजपूत के रसोईया भी नीरज और फ्लैट में उनके साथ रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी भी थे। अधिकारी ने बताया है कि सीबीआई ने उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की है और फ्लैट में पहुंची थी, जिनके कारण अभिनेता ने अपनी जान ले ली थी। मिली जानकारी के अनुसार जांच अधिकारी करीब 3 घंटे से अधिक समय तक फ्लैट में रहे थे। चुनाव के दौरान वोटर को मुहैया करवाया जाएगा मास्क और ग्लव्स। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी बीच निर्वाचन आयोग ने चुनाव से जुड़े जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। कोविड-19 के माहौल में देश में पहला चुनाव होने वाला है। चुनाव आयोग ने निर्देश के मुताबिक मतदाता को पोलिंग बूथ पर ईवीएम का बटन दबाने के लिए साथ ही हस्ताक्षर करने के लिए दस्ताने मुहैया करवाए जाएंगे। जिन मतदाताओं के पास मास्क नहीं रहेगा उन्हें मास्क भी दिया जाएगा। साथ ही बूथ में प्रवेश से पहले हर मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। प्रत्याशी प्रचार आदि ऑनलाइन भर सकेंगे। इसके बाद इसका प्रिंट ऑफिसर को सौंपा जाएगा। घर घर प्रचार के लिए प्रत्याशी समेत 5 समर्थक को जाने की अनुमति दे दी गई है। इतना ही नहीं, ईवीएम बटन दबाने और रजिस्टर पर हस्ताक्षर के लिए डिस्पोजेबल दस्ताने मुहैया करवाए जाएंगे। क्वारंटीन कोविड-19 मरीज मतदान के अंतिम घंटे में डाक मत से वोट करेंगे। बिहार के पहले यूटिलिटी कॉरिडोर का निर्माण होगा जल्द। बिहार के पहले यूटिलिटी कॉरिडोर की परिकल्पना जल्द पूरी होने जा रही है। छपरा से लेकर सारण लोकसभा क्षेत्र का शहरी क्षेत्र, यह जिला मुख्यालय ही नहीं बल्कि यह प्रमंडल मुख्यालय भी है। इसीलिए यहां यूटिलिटी कॉरिडोर की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जो भविष्य के विकास को देखते हुए सारण की जनता को शीघ्र समर्पित किया जाएगा, जिसकी जानकारी सारण सांसद सह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने दी है और कहा है कि शहरी क्षेत्र के 27 किलोमीटर में 230 करोड़ की लागत में बनने वाले कॉरिडोर के माध्यम से नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं का विकास से संबंधित विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से लगभग 1,000 योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए जारी की गई गाइडलाइन। बिहार के वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने समीक्षा बैठक की है। साथ ही अधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुंदन कुमार ने इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी है, जिसके तहत पश्चिम चंपारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुंदन कुमार ने कहा है कि निर्वाचन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के बिहार में विधानसभा आम निर्वाचन 2020 निर्धारित अवधि में कराया जाना संभावित है। इसके साथ ही वाल्मीकि नगर लोकसभा पर उपचुनाव भी संपन्न कराया जाना है। निर्वाचन कार्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसमें चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। बिहार में सभी सीटों पर चुनाव की तैयारी में जुटी बसपा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइन जारी किए जाने के बाद अब बिहार में चुनाव के आयोजन पर अंतिम मुहर लगा दी गई है। चुनाव की तैयारियां भी अब जोर शोर से देखने को मिल रही है। वहीं इसी क्रम में मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार बहुजन समाजवादी पार्टी ने 243 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने का फैसला लिया है। पार्टी ने प्रत्येक सीट के लिए 3 उम्मीदवार का बायोडेटा भी मांगा है, ताकि पार्टी के जीत में हर जिले में सुनिश्चित की जा सके और बसपा इस बार अपनी सभी वोट को अपनी नजर बनाई हुई है। राजद ने आगामी विधानसभा चुनाव में 160 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ठोका दावा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, वहीं सीट बंटवारे का दांव पेच भी लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं अब बीते दिन विपक्षी दल राजद ने 160 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने का दावा ठोक दिया है। राजद नेता विजय प्रकाश ने दावा करते हुए कहा है उनकी पार्टी के पास पहले से ही 80 विधायक है। ऐसे में राजद महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए राजद कम से कम 160 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का मानना है कि किसी के दावे का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस कितनी सीटों पर जीत सकती है, इसका आंकड़ा आलाकमान को भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष से 2005 के पहले बिहार में हालात पर मांगा जवाब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रीपेड मीटर लगाने का काम में तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए जिसके तहत उन्होंने बिजली की 4,855 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के दौरान 2005 के पहले बिहार में बिजली की स्थिति के बारे में जानकारी देने की बात कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि 2005 के पहले बिहार में बिजली की क्या स्थिति थी और अब क्या है, यह सब लोग जानते हैं। बयान देने वाले भी दिल से पूछे कि 2005 के पहले क्या हालात थे। बिहार में बाढ़ प्रभावित दरभंगा जिले को लेकर कीर्ति आजाद ने दी अपनी प्रतिक्रिया। बिहार में बाढ़ प्रभावितों को लेकर राजनीति जोर शोर से जारी है। इसी क्रम में पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कीर्ति आजाद ने जिला प्रशासन और बाढ़ राहत राशि देने की भेदभाव करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि बाढ़ राहत की राशि देना एक जाति विशेष को प्रभावित की उपेक्षा की जा रही है। वैसे जाति बाहुल्य गांव को अब प्रभावित बताकर राहत से वंचित किया जा रहा है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि 1987 के बाद अब जाकर दरभंगा बाढ़ की चपेट में इस तरीके से आया है, लेकिन संपूर्ण जिले को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित नहीं कर प्रभावित लोगों को नई परिभाषा गढ़ी जा रही है, ताकि वैसे सभी प्रभावितों को राहत से वंचित किया जा सके और यही कारण है कि गरीबों का जीना मुश्किल हो चुका है।
इरफान पठान ने विदाई मैच का दिया सुझाव। इरफान पठान की गिनती हमेशा भारतीय क्रिकेट इतिहास के बेहतरीन ऑलराउंडर में की जाती है। हाल ही में क्रिकेट को अलविदा कहने वाले इरफान ने एक जबरदस्त सुझाव दिया है, जिसके तहत उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और राहुल द्रविड़ को एक साथ खेलने का सुझाव दिया है। इस साल जनवरी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले इरफान ने एक ट्वीट तेजी से ट्रेंड कर रहा है, जिसमें उन्होंने संन्यास ले चुके उन खिलाड़ियों का नाम लिखा है जिन्होंने बरसों टीम इंडिया के लिए खेला है। साथ ही मैच और वो शानदार विदाई के हकदार भी है, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन ऐसा हो नहीं सका है। इरफान इज प्लेइंग 11 का मुकाबला मौजूदा भारतीय टीम के चैरिटी मैच के रूप में करवाना चाहते हैं। टीम में बतौर ओपनर गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग को जगह दी गई है। तीसरे नंबर पर राहुल, चौथे नंबर पर वीवीएस लक्ष्मण, पांचवें नंबर पर युवराज सिंह और जहीर खान और प्रज्ञान ओझा का नाम शामिल है। वहीं विकेट कीपर के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। व्हाट्सएप को मिला नया अपडेट। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप आए दिन अपने यूजर के लिए नए फीचर्स को रोल करता रहता है। यूजर की कंपनी की तरफ से एक नया अपडेट दिया गया है। पिछले दिनों सामने आई रिपोर्ट में जानकारी दी गई थी कि जल्द ही यूजर व्हाट्सएप पर पिक्चर इन पिक्चर मोड में शेयर चैट वीडियो देख सकेंगे। वहीं अब व्हाट्सएप यूजर के लिए अच्छी खबर सामने आई है, जिसके तहत कंपनी ने व्हाट्सएप के कुछ फीचर के डिजाइन और लुक में बदलाव करने का सुझाव दिया है और यह बदलाव यूजर को पसंद भी आएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप का नया अपडेट वर्जन रोल किया जाएगा। इस अपडेट में कई बदलाव हुए हैं। इस अपडेट में आईकॉन के साथ पुराना कैमरा शॉर्ट कैमरा भी नजर आएगा। शॉर्ट कैमरा को पिछले दिनों हटा दिया गया था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा उनके नाम है कुमारी लक्ष्मी, उजाला चौधरी, बबीता यादव, विजय कुमार, परमानंद सलाहकार, अजय कुमार यादव, मोहम्मद मुस्ताक, सुप्रिया भारती, काशीनाथ चौहान, रंजीत मिश्रा, राजीव राज, संजीव कुमार, नीतीश कुमार, हेमंत रामेश्वर, शमीम शेख, कुमार गौतम, सिमरन कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मुख्यमंत्री के लिए आपका पसंदीदा चेहरा कौन है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।